काल चक्र के अविरल प्रवाह में इस धरती पर सच देखा जाए तो अनादि अनंत विश्व में जीव राशि ठसाठस भरी है। प्रथम काल चार कोड़ा कोड़ी सागर का, द्वितीय काल तीन कोड़ा कोड़ी सागर का, तृतीय काल दो कोड़ा कोड़ी सागर का और चौथा काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का। इस चौथे काल में जगत को मुक्ति मार्ग बताने वाले 24-24 तीर्थंकर होते हैं। वो सौभाग्य और भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो उस काल में साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन करते हैं। हमारा ये भाग्य नहीं कि हम साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन कर सकें, पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से आज इस मुंबई महानगर में 16वें तीर्थंकर शांति प्रभु का पंच कल्याणक मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा सौधर्मेंद्र महोदय से। सौधर्मेंद्र महोदय मंगलाचरण करें और अपनी उद्गार व्यक्त करें। महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय। आज देव अरिहंत नमो समरुतारु ना जा जा प्रतिमा जिन तणी त्या त्या करु प्रणाम। हे देवो, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में लाखों वर्ष पहले भगवान धर्मनाथ का शासन चल रहा था। धर्मनाथ निर्वाण के बाद काल दोष से लाखों वर्ष तक धर्म की व्युच्युति हो गई थी। पुनः अब बंजर भूमि को अंकुरित करने के लिए तीन तीन पदवीधारी 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के गर्भावतरण का समय अब आ चुका है। अभी हस्तिनापुर में राजा विश्वसेन और माता ऐरा देवी धर्म ध्यान पूर्वक राज्य का पालन करते हैं। इन्हीं माता ऐरा देवी की कोख से ही शांतिनाथ का अवतार होगा। बहुत सुंदर महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय ने अपने उद्गार व्यक्त किए। मैं सची इंद्राणी उनसे निवेदन करूंगा, वह भी अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। सची इंद्राणी। अहो स्वामी, आपके श्रीमुख से यह समाचार सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। बहुत वर्षों बाद भरत क्षेत्र की वसुधा पर अब पुनः धर्म वर्षा का काल आया है। अब पुनः इस धर्म वर्षा में भीग कर भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भव संताप दूर होगा। मेरी भी स्त्री पर्याय धन्य है जो कि अनगिनत बाल तीर्थंकरों को गोदी में खिलाने का अवसर पुनः पुनः प्राप्त होता है। मानो मुक्ति मेरी गोदी में बसने आ रही हो। कितनी सुंदर उद्गार व्यक्त किए हैं।
मानो मुक्ति मेरी गोदी में बसने आ रही हो। इंद्र महोदय, अहो देवी, यह सब जिन धर्म की महिमा का ही कमाल है। मध्य लोक के द्वायद्वीप में स्थित आर्यखंड में ही ऐसा भाग्य कल्प काल में मात्र एक बार ही आता है, जहां से जीव संपूर्ण धर्म आराधना कर मोक्ष जाते हैं तथा कोई कई परम तीर्थंकर पद धारण कर जगत को मुक्ति का मार्ग बताकर मोक्ष जाते हैं। हे देवो, श्री शांतिनाथ तीर्थंकर के आगमन की खुशालिया में धर्म चर्चा शीघ्र प्रारंभ की जाए। बहुत सुंदर, यदि आपको धर्म चर्चा पसंद है, लोग मुंबई महानगरी को भोगों के नाम से बदनाम करते हैं, और आज इस महामाया नगरी को देखकर ऐसा लगता है कि यहां के वासियों को माया नहीं चाहिए, एक मुक्ति ही चाहिए। इसीलिए तो यहां अपार जन समुदाय इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित हुआ है। धर्म चर्चा प्रारंभ की जाए। आपको शायद ख्याल हो, भगवान धर्मनाथ के आधा पल्ले और 5000 वर्ष बाद शांतिनाथ का अवतार हुआ था। जब धर्मनाथ का शासन चल रहा था तो पौन चौथाई पल्ले बीच में धर्म की विच्छुत्ति हो गई थी। हजारों लाखों वर्ष के लिए धर्म का नाम निशान नहीं रहा था, लेकिन आज सौधर्म इंद्र महामहोदय का दरबार लगा हुआ है, उसमें इंद्र महोदय ने अपने ये उद्गार व्यक्त किए हैं कि अब पुनः भरत क्षेत्र में मुक्ति का द्वार खुलने वाला है। मैं इंद्र इंद्राणियों को क्रम से निवेदन करूंगा, वो इस पावन प्रसंग पर आए और तत्व चर्चा को आगे बढ़ाएं। अरे देवों के देव श्री जिन देव, देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, नाथों के नाथ शांति नाथ, नाथों के नाथ शांति नाथ, जिन देव जिन नाथ, जिन देव जिन नाथ, देव जिन निवेदन है, हाथ पकड़ के ताली हो जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, देवों के देव श्री जिन देव, देवों के देव श्री जिन देव, जिन देव जिन नाथ, जिन नाथ जिन देव, जिन देव जिन नाथ, जिन नाथ जिन देव, देवों के देव श्री जिन देव। हाँ जी इंद्राणी जी। हे नाथ, जिस धर्म की इतनी महिमा है, उस धर्म का क्या स्वरूप है? धर्म से लौकिक सुख या पुण्यबान नहीं होता क्या? आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रत्येक इंद्राणी के प्रश्न के लिए भी आप तालियां जरूर बजाएंगे। इनका प्रश्न है, जिस धर्म की इतनी महिमा है, उस धर्म का क्या स्वरूप होगा? इंद्र महोदय, सुनो प्रिय, जो प्राणी को संसार दुखों से निकालकर उत्तम मतिंद्रिय सुख प्रकट कराए, वही वास्तव में धर्म है। और ऐसा धर्म निःशुद्धात्मा में दृष्टि करने पर, अर्थात अंतर में संभाव प्रकट करने पर ही संभव होता है। स्वाश्रय द्वारा बंध का नाश कराने वाली जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसे ही भगवान मोक्ष मार्ग अर्थात धर्म कहते हैं। अन्य शब्दों में कहिए
तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अन्य शब्दों में कहें तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आइए नेक्स्ट इंद्र इंद्राणी। भारा पंच प्रभु भगवान तुहावनो रे, भारा पंच प्रभु भगवान तुहावनो रे, अठारे वीतराग जिन मुद्रा मन। आइए नेक्स्ट। अथवा चारितम खल्लु दम्मो, यह धर्म का स्वरूप तो समझ में आया, पर क्या धर्म विहीन संसारी और धर्म साधक मोक्ष मार्गी जीवो, उनमें कोई अंतर है क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वत्तु साहवो धम्मो और चारितम खल्लु धम्मो, ये तो समझ में आया, पर धर्म रहित संसारी और धर्मी जीवों में कोई अंतर है क्या? ये इंद्राणी जी का प्रश्न है। इंद्र महोदय। सुनो देवी, निश्चय दृष्टि से प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूपी है। जिनवर और जीव में कोई अंतर नहीं है, फिर चाहे वह एक इंद्रिय का जीव हो या स्वर्ग का जीव हो, वह सब तो पर्याय में है। निश्चय आत्मा वस्तु स्वभाव से तो परमात्मा स्वरूप ही है। पर्याय से हटकर जिसकी दृष्टि आत्मा स्वरूप के ऊपर गई है, वह तो अपने को भी परमात्मा स्वरूप देखता है और प्रत्येक जीव को परमात्मा स्वरूप ही देखता है। और सच बात तो यह है, ज्ञानी जीव प्रत्येक जीव को परमात्म स्वरूप देखते हैं। ओ कहां ढूंढे तू सुख चहूं ओ, सुख तेरे अंतर बसे। कहां ढूंढे तू सुख चहूं ओ, सुख तेरे अंतर बसे। कहां ढूंढे तू सुख चहूं ओ, सुख तेरे अंतर बसे। कहां ढूंढे तू सुख चहूं ओ, सुख तेरे अंतर बस। अरे तालियां। जरा दृष्टि अंतर में डाल, सुख तेरे अंतर बसे। जरा दृष्टि अंतर में डाल, सुख तेरे अंतर। कहां ढूंढे तू सुख चहूं ओ, सुख तेरे अंतर बसे। कहां ढूंढे तू सुख चहूं ओ, सुख तेरे अंतर से। हां जी, हां देवी। सत्य बात है देव, सभी आत्मा स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है, फिर भी क्या पर्याय में बंध और मुक्ति नहीं है? और यदि है तो बंध और मुक्ति का क्या कारण है? प्रश्न समझ में आया या नहीं? अरे बोलिए। इनका प्रश्न है कि सभी आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, फिर क्या पर्याय में बंध और मुक्ति नहीं है? फिर यदि है तो बंध और मुक्ति का क्या कारण है? इंद्र महोदय। सुनो देवी, मैं एक अखंड अग्नायक मूर्ति हूं,
विकल्प का एक अंश भी मेरा नहीं है। ऐसा स्वाश्रय भाव रहे वो मुक्ति का कारण है, और विकल्प का एक अंश भी मुझे आश्रय रूप है। ऐसा पराश्रय भाव रहे वो बंध का कारण है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं अखंड ज्ञायक चेतन हूँ, मैं अखंड ज्ञायक चेतन नहीं विकल्पों से कोई काम, नहीं विकल्पों से और जरा आत्म को ज्ञायक से जोड़, सुख तेरे अंतर बसे। जरा आत्म को आत्म से जोड़, सुख तेरे अंतर जरा आत्म को आत्म से जोड़, सुख तेरे अंतर बसे। जरा आत्म को आत्म से जोड़, सुख तेरे अंतर। हाँ जी इंद्राणी जी, मैं निवेदन करूंगा, ये सभा बहुत बड़ी है और इस मुंबई जैसी नगरी में लोग सिनेमा देखने आते हैं। सच्ची बात तो यह है कि उस नगरी का भी भाग्य है कि जिस नगरी के अंदर धर्म सभा हाउस फुल जाए और सिनेमा हॉल सारे के सारे फ्लॉप चले जाए। हाँ जी इंद्राणी जी। हे देव, मैं एक ज्ञायक आत्मा हूं, यही जैन धर्म का सार है। क्या अन्य विकल्प अनावश्यक है? कृपया समस्त सिद्धांतों का सार बताने का कष्ट करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं एक ज्ञायक आत्मा हूं, यही जैन धर्म का सार है। अन्य विकल्प अनावश्यक है, तो कृपया समस्त सिद्धांतों का सार बताएं इंद्र महोदय। हे देवी, समस्त सिद्धांतों का सार तो बहिमुखता छोड़ के अंतर्मुख होना है। उपजे मोह विकल्प से समस्त यह संसार अंतर्मुख अवलोकन ते विलय होत नहीं वार। ज्ञानी के एक एक वचन में अनंत गंभीरता है। अहो, जो भाग्यशाली होगा उसे इस तत्व का रस आएगा और तत्व के संस्कार गहरे उतरेंगे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जो भाग्यशाली होगा उसे इस तत्व के संस्कार अवश्य आएंगे। आइए नेक्स्ट इंद्र महोदय। हर्षित है वसुधा सारी, खुशियां अपार है, भक्ति में झूम रहा इंद्र परिवार है। दुर्पति उत्सव बिना शक्ति निर्वाय, मंगलकारी प्रभु मोहक मनाए। श्रद्धा तुम लो से जग गई भेद बुरी, श्रद्धा तुम लो से वाह। प्रभु जी और यदि आपको इस हस्तिनापुर नगरी में प्रभु के आने का इंतजार है तो एक बार ने दम पर तालियां सबकी। देखिए इन इंद्राणी का अलग ही भक्ति भाव है। स्वर्ग है, स्वर्ग की माया तो अपरंपार है और ये मजीदा से इन्होंने अपनी भक्ति प्रस्तुत की। इनकी अनोखी भक्ति के लिए जोरदार तालियां। हाँ जी इंद्राणी जी। हे देव, धर्म को समझने के लिए तो बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है और चलती रहनी ही चाहिए, पर मुझ जैसे संक्षिप्त रुचि वाले को कृपया बताएं सुख और शांति का क्या उपाय है। बहुत बढ़िया। सुख और शांति का क्या उपाय है? सारी दुनिया भाग रही है
सुख शांति के लिए आदमी बेचैन है, प्रातःकाल घर से निकलता है और रात को मुर्दा के समान घर में घुसता है, पैकेज के पीछे आदमी भाग रहा है, चारों तरफ हाय हाय मची है, व्यक्ति भौतिकता की होड़ में इस शुद्धात्म तत्व को भूल गया है। इंद्राणी जी का प्रश्न है कि ये सुख शांति का क्या उपाय है। इंद्र महोदय, सुनो प्रिय, अनंत गुण स्वरूप आत्मा के एक रूप स्वरूप को दृष्टि में लेकर ध्येय बनाकर उसमें एकाग्रता का प्रयत्न करना ही सर्वप्रथम सुख शांति का उपाय है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। अरे गुण अनंत स्वरूप है आत्म, 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 निश्चय से ये ही परमात्म, निश्चय से ये ही परमात्म, अरे ध्रुव को ध्येय बनाय जीवन चमकेगा, ध्रुव को ध्येय बनाय जीवन चमकेगा, अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। अरे पीछे वालों, अरे करो धर्म से प्यार जीवन चमकेगा, करो धर्म से प्यार जीवन चमकेगा, अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ जी इंद्राणी जी। हे देव, यह सत्य है, अनंत गुण में अभेद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता ही सुख शांति का उपाय है, लेकिन आत्मा की अनुभूति कैसे होती है और आत्मा अनुभव की क्या महिमा है, ये बताने का अनुग्रह करें। इनके सुंदर प्रश्न के लिए जोरदार तालियां। सत्य बात यह है कि आज हम सब गुरुदेव के भक्त, ये प्रश्न भी उत्पन्न होना कि आत्म अनुभव की क्या महिमा है और आत्म अनुभव की क्या विधि है, ऐसा प्रश्न पूछने वाला भी भाग्यशाली है और ऐसा प्रश्न का उत्तर पाने वाला भी भाग्यशाली है। हाँ जी इंद्र महोदय। हे देवी, सत समागम से आत्मा की पहचान कर आत्मा अनुभव करो। आत्मानुभव का ऐसा महात्म्य है कि परिशह आने पर भी जीव की ज्ञानधारा विचलित नहीं होती। तीन काल और तीन लोक के प्रतिकूलता के ढेर एक साथ सामने आकर खड़े हो जाए, फिर भी मात्र ज्ञाता रूप रहकर वह सब जानने की शक्ति आत्मा के ज्ञायक स्वभाव के अनुभूति की एक समय की पर्याय में विद्यमान है। वाह, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। अरे पर से भिन्न निजातम जान, पर से भिन्न निजातम जान, संत समागम से पहचान, संत समागम से पहचान, अरे पर से भिन्न निजातम जान, पर से भिन्न निजातम जान, संत समागम से पहचान, संत समागम से पहचान, फिर निज आत्म अनुभव आए, फिर निज आत्म अनुभव आए, इसकी महिमा गणधर गाए, इसकी महिमा गणधर गाए, अरे इसकी महिमा गणधर गाए, इसकी महिमा गणधर गाए। और एक मिनट ताली बजनी चाहिए बिना म्यूजिक के। 1 2 अरे आत्म अनुभव सार जीवन चमकेगा, आत्म अनुभव सार जीवन चमकेगा, अरे आत्म अनुभव सार जीवन चमकेगा, आत्म अनुभव सार जीवन चमकेगा, अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ जी इंद्राणी जी। हे देव, थोड़ा और आगे आइए। हे देव, धन्य है आत्मानुभव की महिमा, वह तो अगम्य और अलौकिक है। जहाँ सिद्ध प्रभु जैसे आनंद आवेदन हो,
उसकी महिमा कैसे कही जाए। ऐसे आत्मानुभव की विधि बतलाने वाले सच्चे गुरु हमको कैसे मिलेंगे? वाह, उस सच्चे गुरु हमको कैसे मिलेंगे? हाँ जी सुनो देवी, जिसे भव की थकान लगी हो, जिसे आत्मा कैसा है वह समझने की अंतर में सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, उसे सच्चे गुरु मिलते ही है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, और इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, आज यहां इतनी सभा विद्यमान है। मुझे कभी कभी विचार आता है, घर में दो भाइयों में नहीं बनती, दो बहनों में नहीं बनती, सासू बहू में नहीं बनती, पड़ोसी में नहीं बनती, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के इस तत्व में क्या चमत्कार है कि हजारों लोग एक छत के नीचे बैठे हैं और इस तत्व ज्ञान को सुन रहे हैं। मानो भावी सिद्धों की भीड़ यहां एकत्रित हुई है। आइए। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। एक बात है, हमने आपसे कही थी कीर्तन स्टाइल होगी, जरा कीर्तन ताली बजाइए, जरा कीर्तन जैसे किया जाता है। बहुत बढ़िया, जितने लोग बैठे हैं ताली बजना चाहिए। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। अभी आप कीर्तन वाली स्टाइल में नहीं आए हैं, झूम जाइए जरा, हाथ ऊपर करके भाई लोग, खाली भाई लोग हाथ ऊपर करेंगे, बहनें नीचे से ताली बजाएंगी। ओ आया, ओ आया, बहुत बढ़िया, बहुत मीठे लोग हैं, दोपहर मैंने बताया था। ओ आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। ओ शांतिनाथ के चरण कमल में, बोलिए शांतिनाथ के चरण कमल में मेरा सतत प्रणाम। क्या बात है, उधर पीछे जो बैठे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। हमारे मनीष जी कह रहे हैं आप दो मिनट के लिए योगी बन जाइए, ऐसे हाथ करिए। बहुत आनंद आएगा आपको, जरा हाथ खोल खुल जाइए, बिल्कुल ऊपर बैठे हैं। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। हाँ जी, हाँ इंद्राणी जी, सच में आपने देखा ये इंद्र इंद्राणी कितने गंभीर थे। आप ये मत समझना कि स्वर्ग में सारे इंद्र इंद्राणी केवल नृत्य ही करते रहते हैं। इन इंद्र इंद्राणी को देखकर ऐसे लगता है कि दिन में कम से कम तीन बार ये आत्मा की अनुभूति करती होंगी। जोरदार ताली बजा के। हाँ जी इंद्राणी जी, यथार्थ बात है देव, पात्रता हो तो ऐसा योग सहज ही बन जाता है, निमित्त को ढूंढना नहीं पड़ता, आप मिलते हैं। अब यह बताइए कि सच्चे गुरु का उपदेश कैसा होता है? सुनो देवी, इनका प्रश्न था कि पात्रता का योग तो सहज बन जाता है, निमित्त ढूंढना नहीं पड़ता, आप मिलते हैं, पर सच्चे गुरु का उपदेश कैसा होता है? इंद्र जी सुनो देवी, सच्चे गुरु अपने उपदेश में कहते हैं, आहा, सारी दुनिया का विस्मरण हो जाए ऐसा तेरा परमात्म तत्व है। अरे रे, तीन लोक का नाथ होकर तू राग में मेला हो गया, राग में तो दुख की ज्वाला जलती है, वहां से अपनी दृष्टि हटा ले, और जहां सुख का सागर भरा पड़ा है वहां अपनी दृष्टि लगा दे। राग को तू भूल जा, तेरे परमात्म तत्व को पर्याय स्वीकारती है,
मगर उस पर्याय स्वरूप मैं हूं वह भी भूल जा। अरे रे अविनाशी भगवान के पास क्षणिक, अरे रे अविनाशी भगवान के पास क्षणिक पर्याय का क्या मूल्य। आहा, एक बार तो मुर्दे भी खड़े हो जाए ऐसी उपदेश आता है, अर्थात सुनते ही भव्य जी उछलकर अंदर में चले जाए ऐसा उपदेश उसमें आता है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। इस प्रकार हमारे इन इंद्र महोदय ने अपने उद्गार व्यक्त किए और इसके बाद अष्ट देवियों का एक सुंदर आध्यात्मिक नृत्य गीत प्रस्तुत हो रहा है। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल ये सुंदर तत्व चर्चा को सुनकर स्वर्ग की अष्ट देवियां जो कि वास्तव में उनका काम अकेला केवल नृत्य करना नहीं है, सत्य बात तो यह है वो भगवान के पंच कल्याणक मनाती हैं, अपने को धन्य भाग्य समझती हैं और अपने जीवन का कल्याण करती हैं, भगवान के समवसरण में तत्व चर्चा सुनती हैं। लीजिए प्रस्तुत है इन देवियों का एक सुदान आध्यात्मिक भक्ति गीत के साथ नृत्य। Thank you.
ये कहने की आवश्यकता नहीं, आपकी तालियां, आपका उत्साह है पर्याप्त है। ये सुंदर गीत जो गाया है वो किसने गाया है? जो यहां लाइव बैठी हैं, श्रुति जैन नागपुर, खड़ी हो जाए एक मिनट। ये गीत इन्हीं ने गाया है और आज इस पंच कल्याणक में भक्ति की धारा बह रही है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और अब पुनः तत्व चर्चा में हम खो जाते हैं। आइए नेक्स्ट इंद्राणी। रोम रोम हर्षे है प्रभु आगमन से, पुष्प रतन वर्षा सुरपति करते। रोम रोम हर्षे है प्रभु आगमन से, पुष्प रतन वर्षा सुरपति करते। हाँ जी इंद्राणी जी, आगे आइए, थोड़ा आगे और आगे आइए।
क्या साधना की पर्याय को भी भूल जाना है? सच्चे उपकारी के प्रति पूजा भक्ति के राग से भी दृष्टि हटा देना चाहिए। सभी पर द्रव्यों का विस्मरण कर देना ये कैसी बात है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। सच्चे उपकारी के प्रति भी राग दृष्टि हटा देनी चाहिए, ये भी कोई बात है? सभी पर द्रव्यों का विस्मरण कर देना चाहिए, ये कैसी बात है इंद्र महोदय? सुनो प्रिय, पर के लिए तो एक बार मृतकवत हो जाना चाहिए। वाह, पर में तो तेरा कोई अधिकार ही नहीं है। अरे भाई, तू राग को तथा रचकन को भी नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञाता दृष्टा पदार्थ है। ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की तू दृष्टि कर, चारों ओर से उपयोग को समेट कर एक आत्मा में ही जा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एक चीज अलौकिक है आत्म, एक चीज अलौकिक है आत्म, एक चीज अलौकिक है आत्म, एक चीज अलौकिक है आत्म। कम मत समझो ये परमात्म, कम मत समझो ये परमात्म, कम मत समझो ये परमात्म, कम मत समझो ये परमात्म। मुर्दे भी सुने गुरु का ये वचन, मुर्दे भी सुने गुरु का ये वचन, हो जाए खड़े सुनकर तत्क्षण, हो जाए सुने। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ जी इंद्राणी जी। हे देव, मैं आपकी बात में सहमत हूँ। एक रजकण हो या राग का एक कण, इको इको मत रखो भाई। और मेरा सभी देवियों से इंद्राणियों से निवेदन है माइक को एकदम टच करके। हाँ अब बोलिए। हे देव, मैं आपकी बात में सहमत हूँ। एक रजकण हो या राग का एक कण, कुछ भी मेरा नहीं। इसी प्रकार सभी और उपयोग को समेट करके आत्मानुभूति करना वही तत्व ज्ञान का फल है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आत्मानुभूति करना ही तत्व ज्ञान का फल है इंद्र महोदय। थोड़ा आगे आइए। हाँ ए देवी सुनो, तत्व के आदर में सीध गति है। सम्यक तत्व, हाँ सम्यक तत्व के आदर में सीध गति है और तत्व के अनादर में निगोद गति है। यदि सीध गति जाते हुए जीव बीच में एक दो बहु करे उसकी गिनती नहीं है, और निगोद गति जाते हुए जीव बीच में कुछ बहु करे उनकी भी गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रस में रहने का जीव का काल थोड़ा है और निगोद में रहने का काल अनंत है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। यदि तत्व ज्ञान नहीं किया तो उसका फल निगोद है। आइए नेक्स्ट में इंद्र इंद्राणियों से निवेदन करूंगा। ये मंच आपके स्वर्ग का है, बड़ा लंबा है और हम मनुष्य गति के साधारण से प्राणी हैं। थोड़ी विक्रिया दिखाएं और जल्दी जल्दी आए। ताली बजाइए जोरदार इंद्रों के लिए। आइए नेक्स्ट। तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उन्हें
हाँ जी इंद्राणी जी। हे देव, जिसे अपने परमात्म तत्व की महिमा आई उसे यदि दो चार भव भी हो लेकिन वे ज्ञान के ज्ञेय रह जाते हैं। ज्ञानी उसमें हर्ष शोक नहीं करते। मुझे तो एक प्रश्न होता है, किसका मनुष्य भाव निष्फल है और किसका सफल है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसका मनुष्य भाव सफल है और किसका मनुष्य भाव निष्फल है? आज यहां इतने मुमुक्षु बैठे हैं, ये उत्तर सुने हैं। ये जितनी भी तत्व चर्चा है ये मुख्यतया पूज्य गुरुदेव श्री के बोल, पूज्य सौगानी जी के बोल, पूज्य बहन श्री के बोल, कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के बोल हैं। ये जो पहली सभा है ये पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के अंदर से है। हाँ जी इंद्र महोदय। सुनो देवी, यह मनुष्य अवतार धारण करके यदि भव के अंत की बनक अंतर में जागृत नहीं की तो जीवन किस काम का? जिसने जीवन में भव के अभाव का उपाय नहीं किया उसके और कीड़े कौओं के जीवन में क्या फर्क है? सत समागम से अंतर के उल्लास पूर्वक चिदानंद स्वभाव का श्रवण करके उसकी प्रतीति करते ही तेरे आत्मा में भवान की बनक आने लगेगी, यही मनुष्य भव की सफलता है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। कोई स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया है। आइए नेक्स्ट। तेरी पूजा करूं मेरे निश दिन शरण में रहेगा ये शीर। तेरी पूजा करूं मेरे निश दिन शरण में रहेगा ये शीर। अति सुंदर, आपने निज हित के लिए कैसी धुन लगनी चाहिए वह बहुत सुंदर रीति से बताया है। जो जीव प्रसन्नता से जतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनता है वह जीव अल्पकाल में मोक्ष के पात्र है। परंतु हे देव, इस साधना में बाधक क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। जो इस आत्मा की बात को प्रसन्न चित्त से सुनता है वह भव्य है, परंतु इस साधना में बाधक कौन है जिसके कारण जीव संसार में रखड़ता है? इंद्र महोदय। सुनो देवी, स्वभाव के सिवा अन्यत्र कहीं भी मिठास रह गई होगी तो वह तुझे चैतन्य की मिठास में आने नहीं देगी। पर की मिठास चैतन्य की मिठास में बाधक है, इसलिए हे देवी यह समझकर पर की मिठास छोड़ दे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मोहे लागी लगने निजे आत्म की, निजे आत्म की मोहे लागी लगने निजे आत्म की, निजे आत्म की। अरे तालियां। निजे आत्म की मोहे लागी लगने निजे आत्म की, निजे आत्म की। आत्म बिन मोहे कछु नहीं भावे, आत्म बिन मोहे कछु नहीं भावे। सब माया है सपनन की मोह लागी लगने निजे
आत्म की निज आत्म की मोहला की लगन निज आत्म की निज आत्म की। हाँ जी। हे देव, हे देव, क्या 11 अंगों का ज्ञान होने पर भी यदि पर की मिठास रह गई तो ये सब मिथ्या है? अर्थात जहाँ मान है वहाँ ज्ञान नहीं और जहाँ ज्ञान है वहाँ मान नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न। जहाँ मान है वहाँ ज्ञान नहीं और जहाँ ज्ञान है वहाँ मान नहीं। इंद्र महोदय। सुनो देवी, दुनिया में मेरा ज्ञान प्रसिद्ध हो, दुनिया मेरी प्रशंसा करे और मैं जो कहता हूँ उसे दुनिया खुश रहे, ऐसे जिसे अंतर में अभिमान का प्रयोजन हो उसका धारणा रूप ज्ञान भले ही सच्चा हो वास्तव में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। भीतर स्वभाव की दृष्टि करे, उसका लक्ष्य करे, उसका आश्रय करे, उसके सन्मुख जाए, तब अतिंद्रिय आनंद एवं शांति की प्राप्ति होती है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आइए नेक्स्ट इंद्रिंद्राणी। मात्र 5 मिनट के बाद यह राजसभा होगी और राजसभा में हम फिर देखेंगे जो आज तक आपने नहीं देखे अद्भुत 16 स्वप्न, इसलिए राजा लोग तैयार रहेंगे। तुम हो विगत सकल अभिलाषा, तुमने जन्म मरण है नाशा। तुम हो विगत सकल अभिलाषा, तुमने जन्म मरण है नाशा। तुमसे दृष्टि मिलाए गर हम, तुमसे दृष्टि मिलाए गर हम, निज पर का हो क्या। जय हरिहंता तुम ही महान, जय हरिहंता तुम ही महान तुझ में। हाँ जी, वास्तव में ये तो इन इंद्र का भाव था, मैं बहुत नृत्य करूं, लेकिन इनके भाग्य में बहुत एक स्लो भजन आया, बाद में आपको अवसर मिलेगा। हाँ जी इंद्राणी जी। हे देव, ऐसी दशा प्राप्त न हो अर्थात मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बौसागर तिरने के लिए नाविक समान सम्यक दर्शन प्राप्त न हो तब तक क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो तब तक क्या करना चाहिए? इंद्र महोदय। सुनो देवी सुनो, जिसे जिसकी रुचि हो वह बारंबार उसकी भावना भाता है और भावना के अनुसार भवन होता है। जैसी भावना वैसा भवन, शुद्धात्म स्वरूप की भावना भाने से ऐसा परिणमन हो जाता है। इसलिए जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा नाम और अनुभव न हो तब तक सत्समागम पूर्वक बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण मनन और चिंतन करना चाहिए। ताली बजा के स्वागत करें। और लागी रे आत्म से नजरिया, लागी लागी रे आत्म से नजरिया, हो लगी रे लगीर मारा शांति तो से लगीर, हो लगीर मारा शांति तो से लगीर, हो लगीर लगीर आत्म से नजरिया, लगी लगीर लगीर आत्म से नजरिया लगी। हे स्वामी, हम तो यहाँ पुण्य भाव के फल में कारागृह समान स्वर्ग में पड़े हुए हैं। सच में यह मनुष्य पर्याय
अत्यंत दुर्लभ है कि जिसमें साधना की पूर्णता हो सकती है। ऐसी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के विषय में बताने का कष्ट करें। बहुत सुंदर, ऐसी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के विषय में बताने का कष्ट करें इंद्र महोदय। सुनो देवी, जब अनंत जन्मों का पुण्य फटता है तब कहीं कुछ क्षण के लिए मनुष्य पर्याय का योग मिलता है। यदि निगोद से निकलकर त्रस्पना प्राप्त करना वह चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना, जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है ही। धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होना वह दुर्लभ नहीं है। मनुष्य पर्याय जैसा उत्तम योग अधिक क्षण नहीं टिकता, इसलिए मनुष्य पर्याय मिले तो बिजली की चमक में मोती पिरोलिने जैसा है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। इन्होंने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के विषय में बताया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां इतने लोग बैठे हैं, लोग मुंबई नगर में पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता यहां पर लाखों और हजारों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों पर सोते हैं। कई लोग तो पॉलोथीन सड़क की बीनते हैं तब अपनी पेट भरते हैं। गांव में पहले जमाने में अपने सर पर बहने दूसरे का मल ढोती थी, ऐसे मनुष्य पर्याय की बर्बादी होती है। आज यहां इतने लोग बैठे हैं, एक कहे तत्व ज्ञान के संस्कार से या कहे कोई पूर्व जन्म के पुण्य से, आज हम सब साधर्मियों को मुमुक्षुओं को प्रातःकाल उठते ही सर पर मल नहीं रखना पड़ता, बल्कि हमारे सर पर मां जिनवाणी है, मां जिनवाणी है। यह सब आराधना का फल है। आएंगे कुबेर कुबेराणी। अरे मानुष भव उत्तम कुल पाया, 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 अब तक जीवन व्यर्थ गवाया, अब तक जीवन व्यर्थ गवाया, मानुष भव उत्तम कुल पाया, मानुष भव उत्तम कुल पाया, अब तक जीवन व्यर्थ गवाया, अब तक जीवन व्यर्थ गवाया। अरे कर लो आत्म ध्यान जीवन चमके, कर लो आत्म ध्यान जीवन चमकेगा, अरे कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा, कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा। हे नाथ, हमारे महानायक ऐसी उत्तम मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए माता एरा देवी के गर्भ में अवतरण लेने ही वाले हैं। मेरी देवी पर्याय भी धन्य होगी कि मुझे माता की सेवा करने के बहाने परम उत्कृष्ट तीर्थंकर के जीव के समीप रहने का अवसर प्राप्त होगा। मानो मेरे भव का ही अभाव होने वाला है। बहुत सुंदर, परमोत्कृष्ट तीर्थंकर जीव के समीप रहने का अवसर प्राप्त होगा, मानो मेरे भव का अभाव होने वाला है। कुबेर महोदय, है सौभाग्यशालिनी, मुझे भी तुम्हारे समान रत्न वर्षा करने के बहाने तीर्थंकर की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। चांद को देखकर चंद्रकांत मणि भी द्रवित होता ही होता है। सच तो यह है कि तीर्थंकर को किसी की सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो स्वयं त्रिलोक्य पूज्य है। उनकी सेवा करके आसन भव्य जीव स्वयं को कृत्य कृत्य अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। वो तो स्वयं कृतकृत्य हैं, उनकी सेवा कौन करे और कौन कराए। ये तो केवल सेवा के बहाने कुबेर महोदय पुण्य अर्जित करते हैं, अपनी भावनाओं का फल पाते हैं। हाँ जी,
गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई ऐरा माता बधाई, बधाई हो बधाई ऐरा माता बधाई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई ऐरा माता बधाई, बधाई हो बधाई ऐरा माता बधाई। और मैं करवद्ध निवेदन करता हूं, सची इंद्राणी इस प्रसंग में अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। सची इंद्राणी जी, हे सुरपति, हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर चलकर माता ऐरा देवी एवं महाराजा विश्वसेन का अभिनंदन करना चाहिए। हस्तिनापुर नगरी को स्वर्गपुरी से भी सुंदर बना देना चाहिए और माता की सेवा के लिए देवियों को नियुक्त करना चाहिए। सची इंद्राणी के इतने पवित्र भाव होते हैं सच में, और इनके उद्गार देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये वास्तव में ही अगली पर्याय में कहीं सची इंद्राणी ना बन जाएं। इनके सुंदर उद्गार के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे सौधर्मेंद्र महोदय। हे एक बहुधारिणी, मैं तुम्हारे मुख कमल से निकली हुई बातों का समर्थन करता हूं, अनुमोदना करता हूं। सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धारी तीर्थंकर का योग मिलना भी महापुण्य है। हे कुबेर महोदय, तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर नगरी में महाराजा विश्वसेन के दरबार में अष्ट देवियों एवं 56 कुमारियों के साथ जाओ और देवियों को माता की सेवा में नियुक्त करके आओ। पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो। 15 माह तक निरंतर निरंतर रत्नों की वर्षा करते रहो। वैसे भी जिस नगरी में तीर्थंकर जैसे उत्कृष्ट जीव जन्म ले, उस नगरी में सुख सुविधाओं की कमी कैसे हो सकती है। फिर भी हमें अपने कर्तव्य पालन के बहाने भक्ति भाव प्रस्तुत करने का अवसर आया है। हे कुबेर, हस्तिनापुर नगरी का निर्माण स्वर्गपुरी से भी सुंदर करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। जोरदार ताली बजा के महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय का स्वागत करेंगे। और अब सौधर्मेंद्र महोदय हस्तिनापुर की ओर जाएंगे और हमारे हस्तिनापुर के राजा इसी रास्ते से आएंगे और आप लोग जोरदार ताली बजाते रहेंगे। हम ले चलते हैं आपको हस्तिनापुर नगरी में।